नमस्कार, श्री यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अकोड़ी में विधायक तहसीलदार संघ प्रधान ने बांटे बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में भयानक रूप धारण कर लिया है। प्रदेश के साथ साथ मिर्जापुर जनपद में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंगा का पानी घरों में जाना प्रवेश कर दिया है। ऐसे में कई ऐसे असहाय परिवार अपने छतों पर रहने को मजबूर हैं, तो कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। मिर्जापुर जनपद के विकास खंड 96 ग्राम सभा कोड़ी में शासन के निर्देशानुसार नगर विधायक रत्नाकर मिश्र के द्वारा 50 करीब असहाय परिवारों को नाव की सहायता से राहत सामग्री किट वितरित किया गया। नगर विधायक ने कहा, सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत सभी गरीब असहाय को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं तहसीलदार सदर ने कहा, बाढ़ से पीड़ित सभी परिवार को महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज में चले जाने की बात कही। सभी पीड़ित परिवारों को महेश भट्ट इंटर कॉलेज में पहुंचाने के लिए ग्राम प्रधान सतीश तिवारी ने नाव की व्यवस्था की है। राहत सामग्री के अलावा प्रधान की तरफ से सभी पीड़ित को लंच पैकेट भी वितरित किया गया। धीरे धीरे सभी परिवारों को बाढ़ चौकी में पहुँचाया जा रहा है। हालांकि राहत सामग्री पाकर गरीब परिवारों के चेहरे खुल उठे। ग्राम प्रधान ने कहा कि कॉलेज में बिजली, खाने पीने, रहने, दवा आदि सारी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए ग्रामीण डरे सहमे हैं। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, तहसीलदार सदर अरुण गिरी, कानून गो श्रीकांत मिश्र, सचिव अखिलेश द्विवेदी, ग्राम प्रधान सतीश तिवारी, भारत प्रसाद, शुभम मिश्र, लेखपाल ओम प्रकाश, उपाध्याय संतोष कुमार, सुभाष चंद्र, वेद प्रकाश सिंह, विजय शंकर तिवारी, अशोक सिंह, केशव सिंह, राघवेंद्र सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सतयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। पूरे जनपद में बाढ़ की स्थिति पूरी भयावह हो चुकी है। माँ गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कहाँ कहाँ पर जो राशन का वितरण होना है, कहाँ कहाँ होना है? माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है सभी विधायकों को और सभी अधिकारियों को, जहाँ भी बाढ़ का प्रभाव है वहाँ जाकर हर जनता को किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसी के तहत आज हम लोग अपोही ग्राम में आदिवासी बस्ती चौखटा में आए हुए हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, तहसीलदार हैं, कानून गो, लेखपाल और आपके डीडीओ हैं, सभी लोग आए हैं और यहाँ जनता का दुख दर्द हम लोग समझा, उनको राहत सामग्री दिया और उनसे आग्रह किया गया कि जिस हिसाब से बाढ़ बढ़ रहा है, आपको सुरक्षित स्थान पर महेश भट्टाचार्य इंटर कॉलेज में आप लोग वहाँ जाइए। हमारा शासन प्रशासन आपका पूर्ण रूप से व्यवस्था करेगा भोजन पानी का हर तरफ से। लगभग कितने परिवार यहाँ पे फंसे हुए हैं? यहाँ 50 परिवार लगभग है। सर, मिर्जापुर जनपद में बेहद ही उदार किस्म के विधायक के रूप में आपको जाना जाता है, जनता में काफी आप लोकप्रिय हैं। ऐसे में जनता की इस तकलीफ के बारे में आप कहना चाहेंगे? जनता की तकलीफ हम लोगों की तकलीफ, क्योंकि हमारी सरकार है सबका साथ सबका विकास। अगर हमारा जनता किसी भी तरह से अगर कष्ट में रहेगा तो हम लोग भी कष्ट रहेंगे। उसी के तहत हम लोग दौड़ा करके उनका जो भी मतलब जरूरत का सामान है हम लोग उनके पास पहुँचा रहे हैं। यहाँ कोड़ी ग्राउंड में माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोग के द्वारा यहाँ पे प्रभावित मुसहर बस्ती चौकटा में आज माननीय विधायक जी के करकमलों के द्वारा आज 50 राशन किट उनको मुहैया कराया गया है। और साथ ही साथ इनसे अपील की गई है, अनुरोध भी किया गया है और हम लोग पूरी अपने इसमें नाव लगाए हुए हैं। अनुरोध के तहत इनसे किया गया है कि हम लोगों का जो बाढ़ चौकी बनाई गई है, बाढ़ राहत कैंप बनाया गया है, सभी लोग शीघ्र तरीके से वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों को लंच पैकेट उपलब्ध कराएंगे और आवश्यक चीज़ें जितनी भी हो सकती है पूरा जिला प्रशासन। जी महोदय, आपके क्षेत्र में अकोड़ी के अलावा और भी ऐसे कोई क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे? हमारे क्षेत्र में हरसिंहपुर और मल्लेपुर जी, ये इसके साथ साथ। प्रधान जी अपना नाम बताएं। मैं सतीश तिवारी, पंकज तिवारी, ग्राम प्रधान अकोड़ी जी। सर, आपके ग्राम पंचायत अकोड़ी में कितने घर, कितने लोग प्रभावित हैं और उनके लिए आपके द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है? देखिए, हमारे गांव में सबसे मेन विकट समस्या है चौखट बस्ती हमारा है जी। वहाँ पे आदिवासी लोग हैं और उनमें लगभग 50 घरों की संख्या है और करीब आबादी 250 आसपास होगी, जो कि इस समय विकट संकट वहीं पर है। और गाँव के तीन तरफ लगभग कुछ यादव बस्ती, कुछ हरजन बस्ती, कुछ मौर्या है, उन एरिया में पानी धीरे धीरे पहुँच रहा है और पानी जो है गंगा में विकराल रूप में है और पानी दिन पर दिन बढ़ी रहा है। और जो यहाँ पे चौकट बस्ती है, यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए जो व्यवस्था किया गया है, आज जो है कल भी लंच पैकेट बांटा गया, उसके बाद आज जो है राहत सामग्री किट जो है वो दिया गया जो है,
और इसके बाद थोड़ी देर में जो लंच पैकेट भी आ रहा है दिया जाएगा। और ये गंगा का पानी अगर और बढ़ेगा तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, जो अगर पानी बढ़ रहा है, पानी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जन शासन से आदेश आ रहा है, जो सूचना मिल रहा है कि पानी बढ़ने की संभावना है, कल पानी और बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे हमारे गांव में इंटर कॉलेज एम बी इंटर कॉलेज भट्टा इंटर कॉलेज, वहाँ पे बाढ़ राहत चौकी बनी हुई है, जिसमें आज ही इन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए जो है रहने का खाने की सारी व्यवस्था किया गया है, और यहाँ तक कि जो है जो मवेशी है उन लोगों को पहले दो दिन पहले शिफ्ट कर दिए हैं, और जो भी यहाँ बच्चे बूढ़े जो भी हैं सभी को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं।